नेशनल हाईवे दिल्ली पटियाला निर्वाण बस स्टैंड मार्केट पर हजारों दुकानों को तोड़कर फोर लेन बनाना है। इसको लेकर दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग है कि दुकानें ना तोड़कर बाईपास निकाला जाए, क्योंकि दुकानें तोड़ने पर हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने 13 दिन से धरना दिया हुआ है। वहीं कांग्रेस महिला नेत्री विद्या दनोदा ने कहा कि सरकार कहती कि हम लोगों को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ जो पुराने रोजगार हैं सरकार उन्हें खत्म करने का काम कर रही है, ये कहां की इंसाफी है। वो सरकार से अनुरोध करते हैं कि दुकानों को ना गिराया जाए और बाईपास बनाया जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आएगी तो बाईपास भी बनाया जाएगा। सरकार एक तरफ तो कहती है हम रोजगार देंगे, दूसरी तरफ जो पुराने रोजगार इन साथियों ने अपनी मेहनत से बनाए हैं उनको सरकार खत्म करने का काम कर रही है, ये कहाँ की इंसाफी है। सरकार से अनुरोध है कृपया करके हमारी आवाज़ को सुना जाए और यहाँ से सड़क के दोनों ओर जो दुकानें उनको गिराने को छोड़कर बाईपास 3.5 किलोमीटर का ही एक पीस बनेगा उसे बनाया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और सरकार को हम चेताना भी चाहते हैं कि अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं की गई तो हमारे में वो ताकत भी है, जहां आपको हमने पावर दिया है वो पावर हम छीनने का काम भी आने वाले समय में करेंगे। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूं कि मैं इन साथियों के साथ हूं, इन व्यापारियों के साथ हूं, और कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं अपने व्यापारियों की आवाज़ बुलंद करूंगी और उनको उनके हक की लड़ाई में उनका साथ दूंगी और उनका अधिकार उनको लेकर और बाईपास बनाएंगे। वही व्यापारी विनोद मंगला ने कहा कि व्यापारी इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार चलाने में व्यापारियों का अहम योगदान होता है। 13 दिन से हम धरने पर बैठे हैं, आज तक किसी भी अधिकारी ने हमारी सुध तक नहीं ली, इससे व्यापारियों में रोष है। हमारी जो बाईपास की मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अगर हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया तो आगामी चुनाव में उन्हें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी इस देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को चलाने में व्यापारियों का अहम योगदान होता है। 13 दिन से धरने पर बैठे व्यापारियों की सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक कोई सुध नहीं ली है, तो इससे व्यापारियों में रोष है और ये बाईपास की जो हमारी मांग है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और अगर ये मांग पूरी नहीं हुई है तो आने वाले चुनाव में इस सरकार को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सत्य खबर के लिए नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।